फाउंडर बन जाती है वही रहमत की मला मुद्दरी मला मुस्तफा का पूरा اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف في التوراة بهذه صفته في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حرصا للأميين أنت عبدي ورسولي سميك المتوكل ليس بفظ ولا غريف ولا سخاف في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جماني القلب وانشرت بالرب وأهلكت لي الكلام وجهدت لي الأرض مسجدا وطهورا وَأُسِرُّ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لے لے آئے بندہ نوازی کے جوہر کٹائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے खुशी अपनी गैरों के रंग में भुला दी दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी सारे मुहतरम इंतहाई मुख्तसर अल्लामा की हमदो सलाम दुआ दुरूद सलाम इमाम हरमैन सैयद सकलैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम प्रोग्राम का आवाज हो चुके हैं और मेरे तो बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी जमात के अजीम आमदी उस्ताद उलमा हजरत मौलाना अब्दुल अकबर साहब उन्होंने इंशाअल्लाह तफसीली और जानदार खिताब होगा और उन्होंने बाद मसलक आले हदीस के तर्जमान साडी जमात के बुजुर्ग आलमे दीन हजरत मौलाना बहादुर अली सैयद साहब जो कि तशरीफ फरमा ने उन्होंने इंशाअल्लाह खिताब होगा आठवीं कॉन्फ्रेंस का उजवा लिखे इश्तिहार के शामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस नबी अलैहिस्सलाम की अजमत शान मुकाम क्या है
कायनात के अंदर अल्लाह ने बेशुमार लातदाद मखलूकात को पैदा फरमाया, लेकिन कायनात दिया सारिया मखलूकात विचों अल्लाह ने इंसान को सब तो आला बनाया। वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलद अमीन लकद खलकना अल-इंसान फी अहसन तक़वीम। इंसान को सब तो सोना बनाया, सब तो आला बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, फिर पूरी इंसानियत विचों अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को अफजल बनाया, फिर 1,24,000 नबिया के विचों अल्लाह ने 313 रसूलों को अफजल बनाया, फिर 313 रसूलों के विचों अल्लाह ने 5 रसूलों को अजमत वाला बनाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और पहले हजरत मोहम्मद रसूल। फिर इन पंजा रसूलों के बीचों अल्लाह ने सब तो ज्यादा सूरत सीरत जात बात जलवत खलवत मुकाम अगर अदा किया है तो आमिना के नाम मोहम्मद को अदा किया। आपकी जात जैसी इस पूरी कायनात के अंदर कोई जात नहीं और आपकी बात जैसी कायनात के अंदर किसी भी बात नहीं। आप जात के लिहाज का भी लाशरीक है और बात के लिहाज का भी लाशरीक है। जिस तरह कलमे के दो रोग में ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद है ना, बोलो तो सही, मेरे बात पूरी तवज्जो मेरे पर रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पूरे कलमे ते अल्लाह ने नुक्ता नहीं पाया, पूरे कलमे ला नुक्ते तो खाली, इला नुक्ते तो खाली, इल्ला नुक्ते तो खाली, अल्लाह नुक्ते तो खाली, मुहम्मद रसूल अल्लाह नुक्ते तो खाली, पूरे कलमे ते अल्लाह ने अपनी शराकत और मुस्तफा की शराकत च एक नुक्ता गवारा नहीं किया। बड़ी तवज्जो ना मेरी बात सुननी है, एक नुक्ता गवारा नहीं किया। यारो जिस खालिक नू अपनी और मुस्तफा की शराकत च एक नुकता गुवारा नहीं, उन्होंने ढाई मन का शरीक गुवारा है, बोलो ना कि नबी की जात के मुकाबले च कोई और जात दावा करे कि मेरी बात हुज्जत है, मेरी बात मनो या फलां की बात मनो, नबी की जात को छड़ के फलां दे मगर लगो। अल्लाह नू एक कदी भी गुवारा नहीं। जो इंसान दुनिया चाहता है ना, वो बच्चा किसी द्योबंदी भाई के घर च पैदा होता, किसी बरेलवी भाई के घर च पैदा होता, अहले हदीसा के घर पैदा होता, किसी घर भी बच्चा पैदा होता है, वो सज्जे कान च अजान दवाने दवादे हो ना, तो खब्बे च तकबीर दवान कही दी, जो अजान कही जाती है अजान च पहले जिक्र किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ते बाद जिक्र किया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हुण गल बड़ी पॉइंट दी समझण वाली है कि जो बच्चा दुनिया ते आया है उहदे कान च दो आवाजा पईआं ने, एक इलाह दी ते एक मुस्तफा दी। दुनिया च आने वाले एक नूं पूजणा है ते एक नूं पुछणा है। पूजण वास्ते रब्बे सुल जलाल काफी है ते पुछण वास्ते आमीना दा लाल काफी है। ये दो ही स्त्रियां ने ना, पूछण वास्ते मुश्किल कुशा काफी है, पूछण वास्ते मुस्तफा काफी है, पूछण वास्ते दस्तगीर काफी है, पूछण वास्ते पूरी दुनिया का पीर काफी है, पूछण वास्ते मुख्तारे कुल काफी है,
पूछण वास्ते इमामे कुल काफी है, पूछण वास्ते सुबहान रब्बी अल अजीम काफी है, पूछण वास्ते वइन्ना कलाला खुलुकिन अजीम काफी है, पूछण वास्ते अला कुल्ली शयइन कदीर काफी है, पूछण वास्ते सिराजे मुनीर काफी है, पूछण वास्ते गफूर रहीम काफी है, पूछण वास्ते रऊफुर रहीम काफी है, पूछण वास्ते गौसे आजम काफी है, पूछण वास्ते इमाम आजम काफी है, पूछण वास्ते ओ काफी है जिदी खुदाई च शरीक कोई नहीं, ते पूछण वास्ते ओ काफी है जिदी मुस्तफाई च शरीक कोई नहीं। दो ही हस्तियां ने ना, कोई तीसरी ते नहीं, वो बोलो ते सही नहीं। बच्चा बोलन लगता है ना, गल्ला करन लगता है, ते मां उन्हें आंदी है पुत्र पढ़ ला इलाहा मुहम्मद थोतली जी जबान चो लफ्ज़े मुहम्मदों की जबान ते नहीं भी चढ़ता फिर भी पढ़ता है, बच्चे की जबान ते पहले जिक्र खुदा दा ते बाद जिक्र मुस्तफा दा। ये बच्चा थोड़ा जिहा ता हुंदा है, ऐ मसीते कल देने कारी साहब इन्हू नमाज याद करानी शुरू कर, नमाज याद करदा करदा आउंदा है अत्ताहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबात, पहले जिक्र खुदा दा, अगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, फिर जिक्र किदा, बोलो या मुस्तफा दा, अगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगे जिक्र फिर खुदा दा, फिर अगे जिक्र मुस्तफा दा, अगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन, फिर जिक्र मुस्तफा दा। नमाज च दुरूद पढ़ते हो गए नहीं, बोलो। नमाज खत्म हुई उस तो बाद जो बच्चे दे निकाह दा टाइम आया, जवान हो गया, छे छे कलमे पढ़ाते ने उलामा, अपना अपना मसलक है, लेकिन असी निकाह दा खुतबा पढ़ने, खुतबे च पहले जिक्र किया वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, फिर जिक्र किया, पहले जिक्र खुदा दा, बाद च जिक्र मुस्तफा दा। ये बंदा दुनिया तो फौत हो जाता है, मैयत अगे पई है, मौली साहब जनाजा लगे ने पढ़ान, पहली तकबीर हुई अल्लाहु अकबर, बाद कई पढ़ी जाए, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्शा तो आवाज आउंदी है हामिदा नी आबदी, बंदा आंदा अर्रहमानिर रहीम, आवाज आउंदी है असना अलैया आबदी, बंदा कहिंदा मालिकी यौमिद्दीन, आवाज आउंदी है मज्जदनी आबदी। नमाज असी सूरत फातिहा पढ़ांगे, अल्लाह दी बजुर्गी, अल्लाह दी सना, अल्लाह दी हमद उदों बयान होएगी। अगर नमाज सूरत फातिहा नहीं पढ़ांगे फिर अल्लाह दी बजुर्गी हमद और उदी सना बयान नहीं हो सकती, ते जिस नमाज के अंदर अल्लाह दी हमद अल्लाह दी सना अल्लाह दी बजुर्गी बयान ना की जाए उस नमाज का फायदा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, लोगों कोई नमाज नहीं जिदे अंदर सूरत फातिहा, बोलो, पढ़ते नहीं वो नमाज कबूल नहीं, ला सलात कोई नमाज नहीं। एक मौलवी साहब कहन लगे जी इत्थे खलफल इमाम दे लफ्ज कोई नहीं, कंसुल उमाल हदीस की किताब है, इस हदीस की किताब नूं लिखण वाला कट्टर हनफी है, कंसुल उमाल किताब सलात बाबुल किरा पहली हदीस है, ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब खलफल इमाम, यानी कोई नमाज नहीं जिदे अंदर सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए खलफल इमाम, इमाम दे पीछे।
तो मेरे दोस्तों, इमाम सूरत फातिहा पढ़ता है नमाज के अंदर, मुक्तदी भी पढ़ दे। हुण जनाजा शुरू होया है, पहली तकबीर तो बाद किदी हमद बोलो, तारीफ किदी है, अल्लाह दी, अल्लाह दी है ना। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर तारीफ किदी है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। पढ़ दे दुरूद के नहीं बोलो, कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आसमान तो मुनकर नकीर आ जाते ने, अगर बंदा नेक है ना वो बशर बशीर आते, अगर बंदा बादे ना तो मुनकर नकीर आते, उठाते ने बिठाते ने तो पुछते ने मन रबो का, तेरा रब कौन है? इन्हें हुण एक रब की इबादत की है तो कहेगा रबी अल्लाह, मेरा रब कौन है? फिर पूछा जाता मन नबीओ का, यह नहीं पूछा जाता मन इमामो का, मन पीरो का, तेरा पीर केड़ा सी, तेरा इमाम केड़ा सी, नहीं, मन नबीओ का, तेरा नबी कौन सी? अगर कहे मेरा नबी आदम सी, मेरा नबी मूसा सी, ईसा सी, जवाब दुरुस्त नहीं होएगा। ये की कहिंदा है, नबी मुहम्मद, मेरे नबी ते मुहम्मद सन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते नाल ही आवाज आउंदी है अन सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच बोलिया, फअफरिशूहु मिनल जन्ना وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ। تو میرے نبی دی رسالت نو منے، تو قبر دیاں طریق کوٹھیاں وچ وی کہیا میرا نبی محمد ہے، میرا رب اللہ ہے، تے میرا دین اسلام ہے، ہن قیامت تک تیری قبر دے اندر جنت دا دروازہ کھول دیاں گا، جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں تیری قبر وچ پے گیاں ہوں۔ नबी की असमत मां की महत तो लग के कबर की लाहत तक, पहले जिक्र खुदा दा, बाद च जिक्र मुस्तफा दा, यानी वो अजान, अजान नहीं जिदे अंदर नबी का जिक्र नहीं, वो तकबीर तकबीर नहीं जिदे अंदर नबी का जिक्र नहीं, वो नमाज नमाज नहीं जिदे अंदर नबी का जिक्र नहीं, वो निकाह का निकाह नहीं जिदे अंदर नबी का जिक्र नहीं, वो जनाजा जनाजा नहीं जिदे अंदर नबी का जिक्र नहीं, लोगों कबर का हिसाब नहीं जिदे अंदर नबी का जिक्र नहीं, वो दुआ दुआ नहीं जिदे अंदर नबी का जिक्र नहीं। ऐ मेरे महबूब जी, कायनात के अंदर ऐसा जुकिर तु जुकिर तमाई, जिथे मेरा जिक्र होएगा उथे तेरा जिक्र होएगा, मुराद की है मेरे महबूब जी, वो था था नहीं जिथे तेरा ना नहीं, जुकिर तु जुकिर तमाई, जिथे मेरा जिक्र उथे तेरा जिक्र, मुराद की रबूबियत मेरी होएगी, खत्मे नबूवत तेरी होएगी, रब्बुल आलमीन मैं होवांगा, रहमतुल आलमीन तुसी होवोगे, इबादत मेरी होएगी, इमामत तेरी होएगी, जहान मेरा होएगा, निजाम तेरा होएगा, मखलूक मेरी होएगी, उम्मत तेरी होएगी, इंसान मेरे होंगे, गुलाम तेरे होंगे, हौज मेरा होएगा, साकी तुसी होवोगे, आबद तुसी होवोगे, मबूद मैं होवांगा, साजद तुसी होवोगे, मस्जूद मैं होवांगा, कुरान मेरा होएगा, बयान तेरा होएगा, सोनिया महबूबा आसमान मेरा होएगा, सैरगा तेरी होएगी, जिब्रील मेरा होएगा, दरबान तेरा होएगा, हरकत तेरी होएगी, बरकत मेरी होएगी, दुआ तेरी होएगी, अता मेरी होएगी, सर तेरा होएगा, द
दर मेरा होएगा, सिहापी तेरे होंगे, वली मेरे होंगे, फैसला तेरा होएगा, मर्जी मरबे सुल जलाल दी होएगी, जन्नत मेरी होएगी, सरदारी तेरी होएगी। कौन? जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलम नशरह लका सदरक ववजाना अनका विजरक अल्लजी अनका जहरक वरफाना लका जिक्रक। तर्जमा की है, अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ने जहान ने, अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ने जहान ने, सब तो उच्चा शान पाया सुल्तान ने, घर घर विच पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा, नामे मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु। चार चुफेरे पईया सोने दिया तुम्मानी, चार चुफेरे पईया सोने दिया तुम्मानी, खुलक मठे सो शायद कर दिता तुम्मानी, अल्लाह ले आवे मौका कदम जा चुम्मानी, हो जाए समसामी उते फजल गफार दा, नामे मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी दी अजमत ते रब ने उदों भी बयान कीती जदों कोई नबी भी दुनिया ते नहीं आया, यानी कोई नबी अजे दुनिया च आया नहीं, कोई इंसान भी नहीं आया। आलमे अरवाह के अंदर अल्लाह ने सारे नबियां नूं कठिया कीता, सिर्फ नबियां दी जमात, ते अल्लाह ने उत्थे एक जलसा कीता, जिवें असीं शाने मुस्तफा दा जलसा नहीं कर रहे, रब ने भी जलसा कीता आलमे अरवाह च, आम लोगों नूं नहीं बुलाया, सिर्फ नबियां नूं। सवा लख नबियां दा इस्तेमाल है जलसा सुनने वाले सामे, सवा लख अंबिया, खतीब खुद खुदा, ते जलसा अजमत मुस्तफा, रब जलसा कर खिताब किन्हां कर रहे हैं, जिहड़ियां मुकद्दस हस्तियां ने पाक मां। वा इज अखज़ अल्लाह मीसाक नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही वलतनसुरुन्ना काला अकररतुम व अखज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना काला फशहदू व अना मअकुम मिन शाहिदी। ए मेरे आदम, ए मेरे मूसा, ए मेरे ईसा, ए मेरे हूद, ए मेरे शुएब अलैहिमुस्सलाम, दीगर अंबिया, थानू कुलाहे नबूवत दे दिया, किताबा भी दे दिया, शरीयता भी दे दिया, ते थानू दुनिया दे भेज दिया, थोड़िया नबूवत किताबा शरीयता का निजाम जारी और सारी हो, ते इसे दौरान ही सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर रसूल आ जाए। अरबी ग्रामर की रूह ना सुम्मा तराखी वास्ते होना है, अगे नून सकीला का लिया के रब भार पा के नबिया ने गल कर रहे, फरमाया फिर आ जाए रसूल तो की कर लो, मुसद्दी कुल्ली मा माकुम थोड़े सारे की तस्दीक करे, हुण तुसा की करना है, फरमाया तो मेनू नबी वला तनसुरुन्ना, ऐ मेरे नबियो तुसा सारिया ने ना अपनिया किताबा अपनिया शरीयता अपनिया इमामता अपनिया खिताबता अपनिया किताबा नबूवता छड़ के
तुसा सारिया ने आमीना दे लाल दा ताबेदार बन जाना। हुण आमीना दे लाल दुनिया ते आ गए, उन्हां दे आन तो बाद आदम नबी दे दस सहीफे ते उन्हां दी नबूवत चल सकदी? बोलो चल सकदी? नबी शीश ते पंजाह सहीफे नबूवत नहीं चल सकदी, नबी इदरीस ते तीस सहीफे नबूवत नहीं चल सकती, नबी इब्राहिम दे दस सहीफे नबूवत नहीं चल सकती, अगे नबी मूसा दी तौरात ते नबूवत नहीं चल सकती, नबी ईसा दी अंजील ते नबूवत नहीं चल सकती, नबी दाऊद दी ज़बूर ते नबूवत नहीं चल सकती। ये 103 किताबां ने टोटल जिहड़ियां आसमान तो नबियां ते नाज़िल होईयां। आमीना दा लाल आ गया नबी दे आन तो बाद 103 किताबां दा निजाम धर्म भरम हो गया। हुण कियामत तक किसी नबी दी किताब भी नहीं चल सकती, नबूवत भी नहीं चल सकती। हुण तुसी अकलमंद दना बंदे हो ते जे आसमानी किताब नहीं चल सकती, नबूवत नहीं चल सकती किसी नबी दी, फिर जमीन ते बनन वाली फिका चल सकती? किसे इमाम दा कौल ते फतवा चल सकता? बोलो ते सही यार, चल सकता? कयामत तक किसे नबी दी नबूवत नहीं चलनी, किसे नबी दी शरीयत नहीं चलनी। कुर्बे कयामत हजरत ईसा अलैहि सलाम ने आना है। दमिश्क दे अंदर एक सफेद रंग का मीनारा है, वह मीनारा नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सी कुर्बे कयामत बनेगा, वह मीनारा बन चुके है दमिश्क, जिस मीनारे पर नबी ईसा ने नाजल होना है। फरिश्तिया के परां के उत्ते आवे नबी ईसा ने दोवे हाथ रखे होंगे, आसमान तो उतरेंगे उस मीनारे, पानी नुचर रहा होगा, पानी के कतरे नबी ईसा देवे लगनगे जिवे मोती होंगे, फजर की नमाज का टाइम होगा, हजरत इमाम मेहदी जिन्हों का असल नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है वह मौजूद होंगे, हजरत ईसा को आउंदिया वेखणगे, फौरन नबी की हदीस देन चाह जाएगी कि आका ने फरमाया सी कुर्बे कियामत ईसा होंगे, तो हजरत इमाम मेहदी जिन्हों का असल नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है वह मसला छड़ देंगे, कहेंगे आ जाओ तुसी नबी हो, तुसी नमाज पढ़ाओ, असी शहादत हासिल करना चाहते हैं, थोड़े पिछे नमाज पढ़ना चाहते। हजरत ईसा अलैहि सलाम की आते नमाज तुसी पढ़ाओ, मैं नबी बन के नहीं आया, मैं मुहम्मद का उम्मती बन के आया, मैं भी कलमा पढ़ना ते आमीना दे लाल दा पढ़ना, मैं अपनी शरीयत लैके नहीं आया, मैं अपनी नबूवत लैके नहीं आया, मैं अपनी अंजील लैके नहीं आया, मैं भी अमल करना ते रब दे कुरान ते करना। और रब ने नबी ईसा नू तौरात अंजील जबूर ते कुरान चार किताबां सिखा के भेजनिया ने। हजरत ईसा भी आना है नबी बन के नहीं आना, की बन के आना? उन्हें कलमा किदा पढ़ने? लतो मेनु नबी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने तौरात फड़ी, तौरात का वरका ना एवे डिगा सी किते, ते हजरत उमर दे ढाई चढ़ हथी चढ़ गया, ते ऐसरा करके ना वह वरका पढ़ लग पे तौरात का, ते नबी अलैहि सलाम ने वेख्या ते आका का चेहरा सुरख हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कोल बैठे से, कहन लगे उमर तेरी मां तेनू गुम पाए, नबी दे चेहरे वल ते वेख। जदों वेख्या ना उमर ने ते बेसाखता जबान चो निकलिया रज़ीत बिल्लाह रब्बहू व बिल इस्लाम दीन व बि मुहम्मद नबिया। सोनिया मैं अल्लाह दे रब होते इस्लाम दे दीन होते थोड़े नबी होते मैं राजी हाँ। आका फरमाते ने उमर कान खोल के सुन लिया, तौरात मूसा भी आ जाए उन्हें भी आना है, नबी बन के नहीं आना, मेरा उम्मती बन के आना है। और अगे जेडे अल्फाज ने लौता न मूसा हय्यन, मूसा जिंदा होके दोबारा आ जाए। फरमाया तुसी सारे मैनू छड़ के मूसा की इत्तबा करो, लज़लल तुम तुसी गुमराह हो जाओगे। अगर नबी नू छड़ के नबी मूसा के पीछे लग्या जाए तो आका फरमाते ने गुमराह हो जाओगे, नबी नू छड़ के किसी उम्मती पीछे लग्या जाए। बोलो
मूसा नू मूसा दे बारे चाका फरमांदे ने उमर नू मिन्नू छड के अगर नबी मूसा दी इत्तिबा करोगे हदीस दे अल्फाज ने लज़लल तुम तुसी गुमराह हो जाओ ते हुण नबी नू छड के किसे उम्मती पिछे बंगा नसे ओ तुसा फैसला आपे ही कर लेना ए मजलसे खासा आमा दी ओ तुसा फैसला आपे ही कर लेना ए मजलसे खासा आमा दी और जिथे नीवी पै गई नबियां दी दस की रह गई गल इमामा दी और जिन्नू मिले हुजूरी और जिन्नू मिले हुजूरी आका दी ओनू की लोड़ गुलामा दी ओए आमन हदीस ओए आमन हदीस पैगंबर दी तेनु अजमत मिले सलामा दी नबी दी हदीस नु मनो छड़ दियो ये हदीस हमारी अकल के खिलाफ है ये हदीस हमारी क्यास और राय के खिलाफ है ये हदीस हमारे इमाम के कौल के खिलाफ है नहीं हजरत उमर को एक बंदा आया आन के कहने लगा उमर जी एक मसला दस्या जी फरमाया पूछ की पूछना जान है जी औरत मनास के हज अदा कर लेंगी औरत आउन लग्या तवाफे अल विदा करी दा जब निकली दा ना हरम चो हाजी जब निकलते ने तवाफे अल विदा कर तवाफे अल विदा उस औरत ने करना है आया कि उस औरत नु मखसूस अयाम शुरू हो गए जिन्ना अयाम च औरत नमाज नहीं पढ़ सकती रोजा नहीं रख सकती उमर जी वो औरत तवाफे अलविदा करके आएगी या करन तो बगैर ही आएगी हजरत उमर कहन लगे उठे रहे ते तवाफे अलविदा करके आए मखसूस अयाम तो फर वो मसला पूछने वाला अगो आंदा है नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है बगैर तवाफ करन तो ही आ जाए मैं हदीस नबी अलैहिस्सलाम दी पढ़ी नहीं है सुनी नहीं है कि बगैर तवाफ करन तो ही उमर जी आ जाए हजरत उमर का चेहरा सुरख हो गया फरमान लगे तेनु मेरे को तू मसला पूछने वास्ते आया है तेनु इस हदीस का इलम है सी इस हदीस का तेनु पता सी जो तू मेरे को मसला पूछन आया है तेनु इस हदीस का इलम है सी तवज्जो है जी ना मेरे अल बोलो उमर कही देने जो मेरे को मसला पूछन आया तेनु इस हदीस का इलम है सी कह लगा हां जी फरमाया जल्लाद नु मंगवाओ मंगवाया फरमाया भाई कोड़ा लैके आ फरमाया इतने लम्या पाओ वो कहन लगा उमर तुसा अपनी क्यास और राय ना फतवा दिता है मैं थानू हदीस सुनाई है नबी दी ते तुसी मैनू कोड़े मारन दे इहदा मतलब है तुसी अपनी क्यास और राय नू फौकीयत दित्ती है हदीस दे उत्ते तां ही कोड़े मार रहे हन हजरत उमर आंदे ने कोड़े हदीस सुनाण ते ही वच नहीं कोड़े इस बात तो मारना चाहना तेरे को मुहम्मद की हदीस मौजूद सी तू उमर के दरवाजे ते लहर की आने अरे तकबीर आने मुस्तफा आने मुस्तफा आने उमर आने उमर फारूक नारे तकबीर मौलाना यूसुफ बसूरी साहब मौलाना यूसुफ बसूरी साहब नबी दी हदीस छड़ के जेड़ा उमर दे दरवाजे ते आएगा उमर दी क्यास और राय लैन वास्ते उमर उन्हूं बाजार च लम्या पा के कोड़े मारेगा अज पैगंबर दी हदीस छड़ के उमतियां दे दरवाजिया ते नसे फिर एक आदमी और आया कहन लगा उमर जी हाथ कटिया जांदा है इस हाथ दी दीये ते 50 ऊंट इथों हाथ कटिया जाए ते जे अंगूठा ही कटिया जाए फरमाया 15 ऊंट ऐ उंगल कटी जाए फरमाया 10 ऊंट ऐ उंगल कटी जाए फरमाया 10 ऐ उंगल कटी जाए फरमाया 9 ते सब तो छोटी कटी जाए फरमाया 6 किन्ने हो गए साहब आउंदा जी कोई ना ओ बोलदे नहीं यार किन्ने हो गए 50 पूरे हो गए ना हजरत उमर ने फतवा लिखवाया कागज लिखा लैके ना
उंगला पा के अंगूठा पा गया कि 15, 10, 10, 9, 6 ये दीयत पा दी थले अपना फतवा सादर किया उत्ते मोर लाई अपने सहन किते फरमा जाओ 22.5 लाख मरबा मील के अंदर जिन्हिया अदालत ने हर अदालत के अंदर कासद भेज दियो मेरा फतवा दे दिते आज तो बाद हर अदालत के अंदर फैसला किया जाएगा फतवा फारूक के मुताबिक किया जाए एक कासद मिस्र च पहुंचिया मिस्र के जज ने हजरत उमर का रुका फड़िया वो खत जरा फतवा पढ़ रहा है ते नाल कुर्सी डटी सी हजरत नाफे रजी अल्लाह तआला ने उन्हां दी नजर भी उस रुके ते पै गई नबी दे सहाबी दी सहाबी ने रुका पढ़िया ते जज नूं कहण लगे उड़ा फड़ाया फड़ के ना जदों रुका पढ़िया तेजी ना उठे घोड़ा लिया मिस्र चो मदीने आए हजरत उमर नूं मिलन वास्ते उमर आंदे ने नाफे किवें होया ए थोड़े ना एक गल करना चाहना फरमाया कर गल अहलैद की करना चाहना फरमाया दस नाफे की गल ए फतवा थोड़ा जी मेरा दीयत तुसा मुकरर की है फरमाया हां मैं की है उमर नबी की हदीस मैं अपने कन्ना ना सुनी सी नबी पाक को हजरत नाफे आंदे ने कि पंचा उंगलों की दीयत बराबर है किसे उंगल की दीयत वद घट नहीं उमर मैनू दस मैं तेरा फतवा बनना कि हदीसे रसूलुल्लाह बनना मैं दस तेन हदीस का इलम नहीं सी कह लगे मैनू इलम नहीं फरमाया हुण फतवा तेरी हदीस के मुताबिक दिता जाएगा तेरे फतवे के मुताबिक दिता जाएगा या हदीसे रसूलुल्लाह के मुताबिक दिता जाए हाय वाह उमर जिथे लेटे अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा ये नहीं क्या मैं मक्का का खलीफा दे बादशाह मैं फतवा दे चुका हूं मैं फतवा वापस नहीं ले सकता नहीं हदीस सुनी पसीने छुट गए कातिब ने लिखवाया फरमाया नाफे नबी की हदीस लिखवा हदीस लिखवाई गई हजरत उमर ने थले फिर नोट लिखिया नोट सुन लो की है फरमाया आज तो बाद तमाम अदालतों के अंदर अगर फतवा दिता जाएगा फैसला किया जाएगा वो फतवा फारूक के मुताबिक नहीं हदीस रसूलुल्लाह के मुताबिक किया जाए क्यों इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ादु इलल्लाहि व रसूलिहि ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون اے دعوت ہے کہ جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا اج دے کسے امام تے مولوی دا چل سکتا کسے مولوی دی بات किसे मौलवी का फतवा चल सकता बोलो तो सही आ मौलवी ने पीर की बात साढ़े सिर मथे दे अगर उस बात ने उस फतवे ते मदीने वाले मुस्तफा की मोहर लगी है मौलवी पीर की बात नू दीन मनांगे पर उसकी तस्दीक जबाने नबूवत करे कौन करे हदीस सही मुस्लिम की सुन लो सफेद पोश नौजवान आया सियाबा फलांगा होया नबी अली इस्लाम को बह गया हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने मैं कोल बैठा सियाबा तशरीफ फरमा ने सफेद रंग के कपड़े पाए ने सफर के असरात कोई असरात नहीं सफर दे बह जा पुत्र कोई असरात नहीं सफर दे जिमें नाल दे घरों उठ के आए नबी अली इस्लाम को बैठा है तो आप सवालों की पुछाड़ शुरू कर आंदा इस्लाम की चीज है आपने दसिया इस्लाम है तशरीह की शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीमुस सलात व तूती अज़्ज़ाकांदा सदकता फिर पूछता है नौजवान ईमान की चीज है नबी अली इस्लाम ने ईमान की तशरीह की आंदा सदकता सियाबान ने जब सवाल करता है
सानू यह समझ आ रही है जानता कुछ नहीं। जो ये सदाता कहता फिर सानू पता लग गया भी सवाल करने वाला पहले नहीं जानता। फिर आता एहसान की चीज है, आपने दसिया एहसान है, आंदा सदाता। फिर आंदा क्यामत कदों आएगी, आका फरमाते ने मैं सवाल करने वाले नू पता कदों आनी है, जिदे को सवाल हो रहा है भी नहीं पता क्यामत कदों आनी है। हाय 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 क्यामत दीयां निशानियां की ने, आपने निशानियां दसी। आंदा सदाता ये उठिया तवज्जो मेरे वल, हाजी साहब माशाल्लाह तशरीफ लाए ने, हाजी शमून साहब अल्लाह ताला इन्हां नू सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, माशाल्लाह। इत्थे आइयो मेरे कोल आइयो, बैठो इत्थे बैठो। सवाल कीते तवज्जो मेरे वल, सदकता 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 कह के आखिरी सवाल किया, क्यामत दीयां निशानियां की ने? आका ने निशानियां दसियां, आंदा सदकता उठ के चला गया। जब मस्जिद नबवी के बाद दरवाजे के करीब पहुंचिया तो नबी अली सलाम सहाबा नूं आंदे ने साहिल नूं दोबारा बुला के लियाओ। सहाबा मगर दौड़े, एक गेट क्रॉस करके बाहर हो गया। जब मगर बाहर गए तो अगे बंदा नजर नहीं आया, सज्जे खब्बे वेख बंदा फिर नहीं मिले, अल्लाह के रसूल होते बंदा ही गायब हो गया। आका फरमाते ने जानते हो कौन सी? अल्लाह रसूल नहीं फरमाया, ज़ाका जिब्रील। ये कौन सी? ये जिब्रील सी। क्यों आया थोड़े को? अता कुम लियो अल्लिमा कुम दीना कुम, अता कुम मेरे सहाबियो ये थोड़े को आया लियो अल्लिमा कुम दीना कुम, थानू थोड़ा दीन सिखाने वास्ते आया। हुण जिब्रील आया भी मस्जिद नबवी च, आया भी बशरीयत का लिबादा ओढ़ के वे, आया भी नबी पाक दे कोल, आया भी सहाबा दे विच, आया भी अरबी बोलता है। जिब्रील नू पंजाबी नहीं आउंदी। फिर जिब्रील ने आके, जिब्रील नू पता सी इस्लाम है वे, ईमान है वे, एहसान है वे, क्यामत दीयां निशानियां है ने, रब ने सारा कुछ आसमान तो दस के भेजे। फिर जिब्रील ने नबी दे कोल खलो के सहाबा नू डायरेक्ट लैक्चर क्यों नहीं दिता? डायरेक्ट भी दस सकते सन ना, सहाबा नू डायरेक्ट जिब्रील दस सकते सन के नहीं? क्यों नहीं दसिया? पूछो उलामाए इकराम से, खुताबाए इजाम से, मुफ्तियाने इजाम से, जिब्रील ने क्यों नहीं दसिया? इस वजह तो नहीं दसिया कि जेड़ी बात मैं डायरेक्ट बयान करांगा वो दीन ते शरीयत नहीं कहलवाएगी जब तक मेरी बात ज़बाने नबूवत ना अटैच होके नहीं जाएगी। मैं जिब्रील दी बात नूं दीन नहीं मनता जब तक ओदी तस्दीक आदमी दा लाल ना करे। मैं किसी मौलवी ते पीर दी बात नूं दीन किवें मनना अगर ओदी तस्दीक कायनात दा सरदार ना करे? अगर सानू मना रहे उलामा दीयां बातां साढ़े सिर मत्थे ते, इमामां दे कौल साढ़े सिर मत्थे ते, पर इहदी तस्दीक आम इहनां दे लाल को करवा के लियाओ। किसे मौलवी ते पीर या खतीब दी बात दा ना दीन नहीं। मझ दा दुध चोलिया उहदे अंदर पिंड दे नलकियां दा पानी पाओ, दुध खालस नहीं रहेगा। नहर दा पाओ, खालस नहीं रहेगा। उहदे अंदर ड्यू पाओ, मरिंडा पाओ, खालस नहीं रहेगा। उहदे अंदर जमजम पाओ, खालस नहीं रहेगा। दुध ओही खालस है जिहड़ा मज दे थणा चो डायरेक्ट निकलिया है, दीन ओही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकलिया। बाकी सब नदीन है। सानू मनवाण है तो नबी अलैहि सलातो वसलाम दी मोहर लेके आओ। लतो मैनू नबी वलतन सुरुन्ना काला आकरर तुम वाखस्तुम अला जालिकुम इसरी। ये गल कदों हो रही है? जब नबी भी दुनिया से नहीं आए, कोई नबी भी नहीं आए। नबी की शान का जिक्र, काफ कुन दियां मंजला अजे पई लिया सन,
काफर कुल दिया मंजला अजे पैलिया सल जदो मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी रब ने लिख दिता खत्म रिसालता च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी आया पूरे जहान दा चन बन के जिदी विच बाबल पेश गोई होई सी सब साम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुद्दतां दी अगे मोई होई सी अजमत और शान जदों फिर मस्जिद अक्सा सारे नबी जमा होए ना आका भी उठे मौजूद नबी अलैहिस्सलाम हाजर भी ने नाजर भी ने जिंदा भी ने सारे नबी भी मौजूद ने अक्सा की मस्जिद सवा लख अंबिया अजान हुई अजान किने कही जिब्रील ने नमाज का टाइम होया ना ते आदम आंदे ने मैं सफी उल्ला मैं पूरी औलाद का बाप हाँ जमात मैं ही मुसले दाज करानी है नूह आंदे ने मैं नजी उल्ला मूसा आंदे ने मैं कलीम उल्ला ईसा आंदे ने मैं रब आंदे ने मेरे नबी हो ओ वादा याद करो ना जरा आलमे रवाज करके आयो कालू अकररना जदों आएगा ओ साडा इमाम होएगा असी सारे नबी ओदे मुक्तदी होवांगे तुसी मन के नहीं आए नबूता ता ही मिलिया ने वादा करके आए फमन तवल्ला बाद अज़ालिका فاولائک هم الفاسقون او میرے نبیو اس وعدے تو مکریا جے نہ جڑا مکرے گا اونوں نبیاں جو کٹ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا ہن جبرائیل نے تکبیر کہی ہے آقا نو پھڑ کے مصلی تے کھلا رہا ہے عرض کیتی جبرائیل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا पैगाम आ गया है सुवारी लिदर पे बुराक आ गया है वागा फड़न नू गुलाम आ गया है जाक साच पहुंचे मुहम्मद प्यारे खड़े सन नबी इल तजारी च सारे ता जिब्रील नबिया नू ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है कौन है इमाम आजम जनाबे मुहम्मद रसूल आका जी आए नहीं नबी दी अजमत उदो बयान हो रही अजे भी आए नहीं ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी नबी दी अजमत बैतुल्ला बनाया पाया तकमील तक पहुंच गया उत्तों आवाज आई मेरे खलील हुण इस बैतुल्ला दे बनाण दी मजदूरी मंगो की मंगदे हो वाह खलील मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा पहली दुआ केड़ी की थी अल्लाह मनु कायनात दा माल नहीं चाहिदा मनु जाहो जलाल नहीं चाहिदा दुनिया दा शीमो जर नहीं चाहिदा मनु सोना ते चांदी नहीं चाहिदा बल्कि मैं दुआ करना वा इज जालनल बैत मसाबत लिन्नास अमना अल्लाह ऐ जिहड़ा शहर ही ना इनू अमन वाला बना दे ते अगे वरजुक अहलहु मिन समरात ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦੇਈ ਖਲੀਲ ਦੋਵੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਰਮ ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਛੜੇ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਮ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ 36 ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸੱਤ ਹੱਜ ਪੈਦਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਚੰਬੜਨਾ ਨਾ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ
बैतुल्ला दे सीने ना बंदे दा सीना लग जाए ते फिर उत्थे मंजर ही वखरा है ना। अपने बूए विच बैके अल्लाह रो लैन दे, काला अमल नामा ही जुआनाल दो लैन दे, तेरा बुआ छड जावा किथे मेरे मालिका, तेरे बिना कौन मेरे सच्चे खालिका, हिंजू लड़ी शमशाम नू परो लैन दे, अपने बुए विच बैके अल्लाह रो लैन दे। ये मन्या तेरे बुए च मैं फबदा नहीं, जेड़ा सजदा तेनू लाए के ओ सजदा नहीं, पर मुल्तजम लागे जरा कु खलो लैन दे, अपने बुए विच बैके अल्लाह रो लैन दे। हल्ला दिल कर दे तेरे बुए दी दहलीज चुमला, हिजरे अश्वसने एक एक चीज चुमला, मनु चिड़की ना मुंदा सिद्धा हो लैन दे। ओदिया बहारा वखरिया रे यार, उस घर ते ना 120 रहमत नाजल हुंदी, 60 उहनां वास्ते जिहड़े नमाज़ां पढ़दे ने, 40 उहनां वास्ते जिहड़े तवाफ करदे ने, ते 20 उहनां वास्ते जिहड़े बैतुल्ला नूं बहि के वेंदे ही रहिंदे ने। जब हज करके आने लगे ना बाबा जी, तो बुढ़े हो गए सन, बड़े कमजोर, क्या मेरे बुढ़ा जिस्म होया कमाया नहीं जाना, छींदा दिल में तो मनाया नहीं जाना, जहाजा का खर्चा उठाया नहीं जाना, फिर रब्बा में तो ये थे आया नहीं जाना, सऊदी हुकूमत नू कवो ऐलान कर दे, शमशाम दे रहन दा कोई इंतजाम कर दे। इन्नी मुहब्बत है, अल्लाह सानू भी उस घर ना प्यार नसीब फरमा। उची कह दो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने दुआ की थी, मक्का एक ऐसा शहर है जिदे वास्ते दुआवां खलील ने कीतियां ने, ते मदीना एक ऐसा शहर है जिदे वास्ते दुआवां हबीब ने कीतियां ने, दोवें ही बरकत वाले शहर। इधरों दुआ हुई, अल्लाह फल भी फरमाया फल भी देंगा, अल्लाह इतने घर भी नहीं हों फल कितों हो, फरमाया कायनात का सूरज बाद चढ़ेगा, दुनिया दी मंडियां जो फल पहलू मक्के की मंडी च पहुंच जाएंगे, और ये नहीं हो रहा दे मौसम में फल। अल्लाह ये कौन है, और बोलो कौन है देने वाला। अल्लाह दुआ की अगे रब्बाना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती का वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह अकबर, फरमाया खलील तेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह किवे हुवल्लज़ी बासफिल उम्मीजीन रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वइन कानू मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन। तर्जमा की है भाई साहब, तर्जमा कर दे। मक्के चन चरे आ जद लोई, मक्के चन चरे आ जद लोई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया, राव पुलिया जांदिया रायानू गली बाग बहिश्त वखावा ने आया, फसे होए सन जेड़े विच गुनावां दी दल दल, मुशफिक बाओ फड़ बने ला ने आया, आओ दियो मुबारका सानू लोको साडे सुतड़े नसीब जगा ने आया। इस वास्ते
لقد جاءکم رسول من انفسکم, اودو ذکر ہو رہے نے جدوں دی آقا دنیا تے تشریف نہیں لے آئے. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم, اوندے سال صحیح. ہن تواڈے سامنے قادری صاحب ایک نعت سنان گے. منشا قادری صاحب سننا چاہتے ہو نا؟ بعد پھر مولانا عبد الاکبر صاحب کا بیان ہوئے گا, وہ اندر تشریف لے آؤ. اندر آئیو مولانا.